पानी घरों में भरा हुआ है। उसको इतने दिन होने के बाद भी कल भी हमने महावीर कॉलोनी उनका दौरा किया, आज तक पानी से लोग परेशान है, घर छोड़ छोड़ के बाहर जा रहे हैं। उस पर प्रशासन चुप्पी साधे हुए। जरूरी नहीं कि हर हीरा हो हीरे जैसा खरा, लेकिन तनिष्क का हर हीरा है 100% नेचुरल और गुणवत्ता व विश्वास दोनों पर खरा। बाय ये डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर 20% तक ऑफ, विजिट तनिष्क शोरूम इंडिया मोटर सर्किल अजमेर। पिछले दिनों अजमेर की समस्याओं को लेकर के विधानसभा के अंदर मैंने प्रत्येक मुद्दे की आवाज उठाई है। लोगों के बिजली के बिल ज्यादा आ रहे थे, उसकी आवाज उठाई, यहाँ तक के भ्रष्टाचार जो आपने आप इसमें एलिवेटेड रोड और पाथवे में किया है उसकी घटना मैंने वहाँ पे जिक्र किया है। और साथ के अंदर हमने अजमेर में ड्रेनेज सिस्टम, पानी घरों में भरा हुआ है, उसको इतने दिन होने के बाद भी कल भी हमने महावीर कॉलोनी उनका दौरा किया, आज तक पानी से लोग परेशान हैं, घर छोड़ छोड़ के बाहर जा रहे हैं। उस पर प्रशासन चुप्पी साधे हुए कोई काम नहीं कर रहा है। और यहाँ तक के आपके शहर की सड़कें बदहाल हैं, लोग कह रहे हैं क्या हुआ है, सड़कें सारी पिछले 2 साल के अंदर जो इन्होंने बनाई वो भ्रष्टाचार के कारण आज उखड़ गई है। ये भ्रष्टाचार के 10-15 साल में नहीं टूटी, हमारे समय सड़कें ठीक थी। पानी की बात करते हैं, पानी भी आकर के इनके आक्रमण और नकारा जो अवसर है वो पानी नहीं दे रहे हैं। 18 के अंदर हम लोग आराम से 48 घंटे में बीसलपुर खाली होने के बावजूद पानी दे रहे थे, और आज बीसलपुर भरा हुआ है। अजमेर की जनता के लिए सड़कों पे तो पानी है, उनके घरों में पीने का पानी नहीं है। इस प्रकार की दयनीय स्थिति जो बनी है इसका जिम्मेदार पिछले 4 साल का अशोक गहलोत सरकार है। अतः मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ ये सरकार नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे, और यहाँ के अधिकारियों को भी आग्रह करूँगा कि वे किसी भी सरकार के या नेता के राजनीतिक केंद्र के या अपने सरकारी जो राज्य सरकार के दबाव में काम न करें। सरकारें तो आती हैं और जाती हैं, और निष्पक्षता से काम करिए, नहीं तो सरकार आने के बाद आप सबके जिस प्रकार से आप व्यवहार कर रहे हो, जिस प्रकार कर रहे हो, इसके हम समीक्षा करके उचित कदम उठाएं।